केंद्र व राज्य सरकारें एक तरफ गांव का कायाकल्प करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बैठे जिम्मेदार लोग सरकार की मंशा पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। इसकी वानगी पीलीभीत जिले में विकास खंड पूरनपुर की ग्राम पंचायत केसरपुर के राजस्व गांव हीरपुर गांव में देखने को मिलती है। ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव की मनमानी के कारण ये गाँव विकास की बाढ़ जो रहा है। यहाँ 5 साल से विकास की कोई किरण नहीं खिली है। गाँव के विकास के लिए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की, लेकिन नतीजा शून्य रहा। ग्रामीणों ने अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार से गाँव का विकास कराने की गुहार लगाई है। ग्राम प्रधान के कार्यकाल के लगभग 5 साल पूरे होने को आए हैं, लेकिन गांव में कोई भी विकास कार्य धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि कागजों पर विकास हुआ हो। गांव में ना तो नाली है, ना ही रास्तों में खड़ंजा दिखाई दे रहा है। यदि कहीं पर है भी तो वहां पर कीचड़ का साम्राज्य व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस पंचवर्षीय योजना में अभी तक हीरपुर गांव में किसी को भी शौचालय व आवास का लाभ नहीं दिया गया है, जबकि गांव की ज्यादातर आबादी गरीब एवं निम्न तबके की है। ग्रामीणों का कहना है कि 5 साल से गांव में कोई अधिकारी झांकने तक नहीं आया। नाली खड़ंजे का निर्माण न होने के कारण घरों का पानी सड़कों पर भर रहा है, जो बीमारियों को खुलेआम दावत दे रहा है। गाँव की किसी भी गली में खड़ंजा नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में विकास कार्य नहीं होने की मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी, जिसका कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से निस्तारण कर दिया। इतना ही नहीं, झूठी आख्या लगाकर सरकार को गुमराह कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आपको बता दें कि गरीब जनता को गांव में ही रोजगार देने एवं गांव के विकास में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना चलाई है, लेकिन रोजगार सेवक सरकार की मंशा पर पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने मनरेगा के अंतर्गत किए गए काम की मजदूरी के रुपए गबन करने का आरोप ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक पर लगाया है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि रोजगार सेवक ने मनरेगा जॉब कार्ड बनवाने के नाम पर भी 500-500 रुपए की वसूली की है। बेलामती, आप यहीं रहती हैं? हाँ, यहीं रहा। आपका क्या समस्या है? आपकी समस्या है या कि इस गांव में ना तो कोई रोड है, अच्छा, ना तो नाली है। अब प्रधान है तो खाली वोट मांगने आते हैं, फिर आते नहीं। आपका लेखराज, क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारे गांव में रास्ता उस्ता प्रधान उधान कोई आते नहीं, 5 साल हो गए, केवल वोट मांगने आते हैं। कौन सी ग्राम पंचायत है? केसरपुर कला मंडरा हीरपुर। अच्छा, ललता प्रसाद। ललता प्रसाद कहाँ रहते हैं? यही हीरपुर। बताएं क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी शौचालय वाली। आपको शौचालय नहीं दिया गया? शौचालय हमारा 103 क्रमांक पर अंकित है। अंकित है, उसका अभी पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया? मेरा खाते में पैसा नहीं आया। हमारा नाम महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार, क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी यह है, हमारे गांव के रोड और रास्ता सब खराब है, ना खड़ंजा है ना नाली है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। ना गाड़ी आती है, ना साइकिल निकलती है, पैदल भी आदमी नहीं निकल पाते हैं। रामनिवास, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर, क्योंकि हम नरेगा का काम हमने किया है, एक भी पैसा नहीं देखने को हमको मिला है। रोजगार सेवक कौन है? रोजगार सेवक है अंजाद।